कर्नाटक में सियासत का नाटक चालू है। अब तक ऑपरेशन लोटस 2.0 के डर से जूझ रही कांग्रेस जेडीएस की सरकार अब आपसी कलह के चलते आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सिद्धारमैया कैंप की ओर से हो रही बयानबाजी से आहत होकर पद छोड़ने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक अपनी सीमा लांघ रहे हैं, कांग्रेस इन पर लगाम लगाए वरना वो पद छोड़ने को तैयार हैं और इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। आई एम रेडी टू स्टेप डाउन। अगर कांग्रेस नेताओं ने ये सब जारी रखा तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस नेताओं को ये सब चीजें रोकनी होंगी। उसके नेता गठबंधन धर्म की सीमा लांघ रहे हैं। दरअसल कुमारस्वामी का पारा कांग्रेस कोटे से मंत्री बने सी पुत्तरंगा शेट्टी के एक बयान के बाद चढ़ा है। सिद्धारमैया के समर्थकों ने रविवार को एक इवेंट में उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सी पुत्तरंगा शेट्टी भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए शेट्टी ने बयान दे डाला कि आज भी सिद्धारमैया ही उनके मुख्यमंत्री हैं। वो किसी और की इस पद पर कल्पना ही नहीं कर सकते। It will not going to affect on me. It will going to affect on Congress leaders only. इन सब चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस को ही इसका नुकसान होगा। कांग्रेस को अपने विधायकों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक रूप से इसी तरह बयान देते रहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और छोड़कर चला जाऊंगा। If they react like this, that is left to them only. कुमारस्वामी के पद छोड़ने की धमकी पर कांग्रेस की ओर से भी बयान आया है। राज्य के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वरा ने कहा है कि सिद्धारमैया सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं। वो हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। विधायकों के लिए वो सीएम है, उन्होंने अपनी राय रखी है, इसमें गलत क्या है? नेचुरली बिकॉज ही इज आवर सीएलपी लीडर। सिद्धारमैया सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। विधायकों के लिए सिद्धारमैया सीएम हैं। विधायकों ने अपनी राय रखी है, इसमें गलत क्या है? Nobody can dispute that. कर्नाटक में सत्तारूढ़ जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के बीच टकराव नया नहीं है। सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रालयों को लेकर दोनों दलों के बीच मनमुटाव और गतिरोध की खबरें आती रही हैं। दरअसल बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस से हाथ तो मिला लिया, लेकिन दोनों दलों के दिल नहीं मिल पाए। 78 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के विधायकों को 37 सीटों वाली जेडीएस के कुमारस्वामी सीएम के रूप में स्वीकार नहीं हो पाए। गाहे बगाहे कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते रहे। रविवार को कांग्रेस विधायक एसटी सोमशेखर ने कुमारस्वामी सरकार को निशाने पर लेते हुए कह डाला कि गठबंधन की सरकार को 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगर सिद्धारमैया को सीएम के रूप में 5 साल और मिले होते तो सही मायनों में विकास देखने को मिलता। कांग्रेस विधायकों के ऐसे ही बयान से सीएम कुमारस्वामी चिढ़े हुए हैं। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस और जेडीएस के बीच इस टकराव को लेकर तंज कस रही है। कर्नाटक सरकार में पूरी तरह फूट है और सिद्धारमैया और कुमारस्वामी के बीच एक जंग चल रहा है, और इस जंग से जनता से इस विषय को छुपाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे, बट लेकिन ये अभी खुलकर बाहर आ गया। तो ये सरकार को अपने कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण ये सरकार गिरना तय है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं। इस महीने की शुरुआत में करीब एक सप्ताह तक चले रिजॉर्ट ड्रामे के बीच कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही पार्टियों ने दावा किया था कि उनकी सरकार मजबूत है, उसे कोई खतरा नहीं है। दोनों दलों ने बीजेपी पर गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश करने के आरोप भी लगाए थे। अब कांग्रेस और जेडीएस खुद आमने सामने हैं। ऐसे में एक बार फिर सरकार के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में 104 सदस्यों वाली बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 78 विधायकों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर और 37 विधायकों वाली जेडीएस तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस और जेडीएस 2 निर्दलीय और 1 BSP विधायक के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन 2 निर्दलीय सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और जेडीएस के बीच मतभेद से सरकार फिर संकट में घिरती दिख रही है। हालांकि सियासी जानकार कुमारस्वामी के बयान को अभी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग में बेहतर सौदे के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।